हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए टुडे हिमाचल चैनल को, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। हिमाचल में कोरोना ने निकली एक और जान, जानिए आज कितने आए नए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से अब हर दूसरे या तीसरे दिन मौत हो रही है। शिमला में 89 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई। वहीं कोरोना के नए 47 पॉजिटिव मामले सामने आए। संक्रमितों में बिलासपुर के 2, चंबा के 2, कांगड़ा के 25, लाहौल स्पीति के 2, मंडी के 6, शिमला के 2, सिरमौर का 1, सोलन के 5 व ऊना का 1 मरीज शामिल है। अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 285,594 पहुंच गया है। वर्तमान में 4,232 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। वहीं अब तक 281,222 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। एक दिन के अंदर 27 मरीज स्वस्थ हुए हैं। हिमाचल के 6 जिलों में 26 से बारिश के आसार। मैदानी जिलों में 34 डिग्री के पार अधिकतम तापमान। हिमाचल प्रदेश में 28 जून के बाद ही मॉनसून के प्रवेश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के 6 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में 26 जून से बारिश के आसार हैं। अन्य जिलों ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति में 27 जून तक मौसम साफ रहेगा। 25 जून तक पूरे प्रदेश में धूप खिली रहने का पूर्वानुमान है। मैंने कभी परिवार का जिक्र नहीं किया, कांग्रेस नेता से पार्टी के लोग परेशान। कांग्रेस और भाजपा के बीच छिड़ी जबानी जंग पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पलटवार किया। सोलन में पत्रकारों से अनौपचारिक बात में मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार का जिक्र मैंने कभी नहीं किया। कांग्रेस नेता ओकोबर को खाली करने की बात कह रहे हैं, उनके कहने से तो खाली नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं एक व्यवस्था के मुताबिक यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर हूं, ये मुख्यमंत्री का आवास है। शिमला के ठियोग में गहरी खाई में गिरी पिकअप गाड़ी, 27 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग में पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से 27 लोग घायल हो गए। इनमें 7 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद IGMC शिमला रेफर कर दिया गया। गनीमत रही कि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद गाड़ी सड़क से कुछ दूरी पर पेड़ पर फंस गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। घायलों में 26 लोग हरियाणा और 1 हिमाचल का रहने वाला है। मंडी में राकेश टिकैत बोले, दिल्ली तक लड़ी जाएगी हिमाचल प्रदेश के किसानों की लड़ाई। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के किसानों के हितों की लड़ाई दिल्ली तक लड़ी जाएगी। किसान संघर्ष संयुक्त मोर्चा हिमाचल के किसानों की समस्याओं का ड्राफ्ट तैयार कर सरकार से वार्ता करेगा। किसानों के हितों की बात अगर सरकार मान जाती है तो ठीक, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। अमजदे सईद बने हिमाचल हाईकोर्ट के 27वें मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अमजदे सईद ने वीरवार को हिमाचल हाईकोर्ट के 27वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पदभार संभाला। राजभवन शिमला में सुबह 9:30 बजे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हिमाचल के शाहपुर और ऊना में होंगे कैंपस साक्षात्कार। ITI रेल में लगेगा रोजगार मेला। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में गुजरात की निजी कंपनी 200 पद भरने के लिए 28 जून को कैंपस साक्षात्कार लेगी। कैंपस साक्षात्कार में 18 से 23 वर्ष के बीच की उम्र के युवा भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थी ने फिटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टूल एंड डाई मेकर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, COE, ट्रैक्टर मैकेनिक और पेंटर व्यवसाय में ITI का कोर्स किया हो। बिजली कनेक्शन काटने का डर दिखाकर साइबर अपराधियों ने शुरू किया ठगी का नया खेल। साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए हर रोज नए तरीके अपना रहे हैं। साइबर ठग बिजली उपभोक्ताओं को अपना निशाना बनाते हैं। लोगों को बिजली कनेक्शन काटने का डर दिखाकर बिजली उपभोक्ता से उसके बैंक अकाउंट सहित अन्य व्यक्तिगत जानकारियां हासिल कर धोखाधड़ी कर रहे हैं। साइबर सेल के पास इस तरह की ठगी की कई शिकायतें भी आई हैं। डीजल खत्म होने से बीच सड़क खड़ी हो गई HRTC की बस। 3 किलोमीटर तक लगी वाहनों की कतारें। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू भुंतर सड़क पर डीजल खत्म होने के कारण हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। इससे दोनों ओर वाहनों की 2 से 3 किलोमीटर तक की कतारें लग गई। बस सेंच के रैला से कुल्लू आ रही थी। गुरुवार सुबह 10 बजे गांधीनगर में बस का डीजल खत्म हो गया। करीब 40 मिनट तक जाम लगने से पर्यटकों समेत स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी और आम जनता को परेशान होना पड़ा।
अग्निपथ योजना के विरोध में धर्मशाला में रोष मार्च करेंगे सुखविंद्र सुक्खू। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य सुखविंद्र सुक्खू 1 जुलाई को धर्मशाला में अग्निपथ योजना के विरोध में रोष मार्च निकालेंगे। वो योजना का पहले से विरोध कर रहे युवाओं को कांग्रेस और अपना समर्थन देंगे। सुक्खू ने युवाओं के समर्थन में योजना के खिलाफ हल्ला बोलने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार से अग्निपथ को तुरंत वापस लेने की मांग भी की। ऑनलाइन दोस्त बनकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए युवती के अश्लील वीडियो। सोशल मीडिया पर युवती के अश्लील वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया। ऐसे में युवती ने महिला थाने न्यू शिमला में मामला दर्ज करवाया है। युवती की सोशल मीडिया पर ऑनलाइन गेम के जरिए एक शख्स से दोस्ती हुई। शख्स ने युवती के अश्लील वीडियो बनाए और उन्हें व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि कोविड लॉकडाउन के बाद जब युवती ने आरोपित अनस मिर्जा से बात करना बंद किया तो उसने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। हिमाचल में भाजपा का मिशन रिपीट देख बेचैन हुई कांग्रेस। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हिमाचल में भाजपा के मिशन रिपीट को देखते हुए कांग्रेस बेचैन हो गई। कांग्रेस का कुछ ही ऐसा हाल वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले भी था। स्थिति यह है कि कांग्रेस कुछ एक राज्यों तक ही सीमित हो गई है और भाजपा का लगातार विस्तार होता जा रहा है। जब शिमला के माल रोड पर महिला ने व्यक्ति को जड़ दिए थप्पड़, जानिए क्या था मामला। राजधानी के माल रोड पर एक महिला ने व्यक्ति को थप्पड़ जड़ दिए। ये मामला वीरवार को दिन के समय सामने आया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति ने महिला को पैसे उधार दिए थे। जब उसने पैसे वापस मांगे तो महिला ने उसके साथ मारपीट कर दी। इस दौरान माल रोड पर लोग भी एकदम से भारी मात्रा में इकट्ठे हो गए। कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उस महिला और संबंधित व्यक्ति कुछ समय पहले शिमला में किसी शोरूम में काम करते थे। हिमाचल के पात्र 30,000 कर्मियों को मिलेगा उच्चतम वेतनमान का लाभ, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश के सभी पात्र 30,000 कर्मचारियों को उच्चतम वेतनमान का लाभ मिलेगा। ये लाभ 3 जनवरी 2022 से पहले 2 साल की नियमित सेवाएं पूरी करने वालों को मिलेगा। इन कर्मचारियों को 13,000 से 18,000 रुपए तक की मासिक वेतन वृद्धि का फायदा होगा। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। हिमाचल के हरीश ने चांद पर 1 एकड़ जमीन खरीद पत्नी को दिया बर्थडे गिफ्ट। हिमाचल प्रदेश के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के 39 मील निवासी हरीश महाजन ने चांद पर जमीन खरीद कर अपनी पत्नी पूजा सूद को बर्थडे पर गिफ्ट दिया। चांद पर 1 एकड़ जमीन खरीदने के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क के इंटरनेशनल लूनर लैंड सोसाइटी के पास आवेदन किया था। सोसाइटी ने जमीन की रजिस्ट्री संबंधी दस्तावेज उन्हें ऑनलाइन भेज दिए हैं। ये जमीन लेकस सोमनियोरम में है। हरीश की पत्नी का बर्थडे गुरुवार को था। हरीश चांद पर जमीन खरीदने वाले हिमाचल प्रदेश के दूसरे व्यक्ति बन गए। इससे पहले ऊना जिले के एक व्यवसायी भी चांद पर जमीन खरीद चुके हैं। उन्होंने अपने बेटे को उसके बर्थडे पर ये तोहफा दिया था। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।